अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बी एस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक विक्टोरियन पोइट्स। गाइज, अगर आपको विक्टोरियन एज या विक्टोरियन ईरा के नोट्स चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विक्टोरियन एज का लिंक मिल जाएगा। ज़रूरी तो यही है कि आपको पहले विक्टोरियन एज के बारे में पता हो कि वो क्या थी, फिर ही आपको विक्टोरियन पॉइंट के बारे में समझ आएगी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लिटरेचर इन पाकिस्तान। Now I'm gonna start the topic. Victorian age, Victorian poet. Victorian poetry written in England during the reign of Queen Victoria 1837 to 1901 may be referred to as Victorian poetry. Victorian poetry, Queen Victoria 1837 में पैदा हुई और 1901 में उन्होंने वफात पाई, उनके दौर के दौरान इंग्लैंड में लिखी गई और इसीलिए इसे विक्टोरियन पोइट्री कहा जाता है। फॉलोइंग रोमांटिसिज्म विक्टोरियन पोइट्स कंटिन्यूड मैनी ऑफ द प्रीवियस इराज मेन थीम सच एज रिलीजियस स्केप्टिसिज्म एंड वैलोराइजेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज अ जीनियस। रोमांटिसिज्म को नशातसानिया के दौर को फॉलो किया गया। विक्टोरियन शायरों ने अपने काम में मेन थीम्स पिछले पुराने दौर के यानी कि मेन थीम्स को अपने काम में इस्तेमाल किया और जैसा कि मजहबी स्केप्टिसिज्म और वैलोराइजेशन एक जीनियस आर्टिस्ट की एक जहानत है। बट विक्टोरियन पोइट्स आल्सो डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेंसिबिलिटी। लेकिन विक्टोरियन पोइट्स ने एक अलग ही सेंसिबिलिटीज को तरक्की दी। द राइटर ऑफ दिस पीरियड आर नोन, इस दौर के जो मुसन्निफ थे वो जाने जाते थे फॉर देयर इंटरेस्ट इन वर्बल एम्बेलिशमेंट। अपने वर्बल एम्बेलिशमेंट में अपनी दिलचस्पी की वजह से जाने जाते थे। मैस्टिकल इंटरोगेशन की वजह से, ब्रॉडिंग स्केप्टिसिज्म की वजह से एंड वैम्सिकल नॉनसेंस की वजह से। द मोस्ट प्रोलिफिक एंड वेल रिगार्डेड पोइट्स ऑफ द एज इंक्लूडेड, और इस उम्र के बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक और वेल रिगार्डेड जो पोइट्स थे वो ये हैं: फर्स्ट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकेंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फोर्थ मैथ्यू आर्नोल्ड, फिफ्थ गिरार्ड मैनले होपकिंस एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट इज ऑस्कर वाइल्ड। इम्पोर्टेंट विक्टोरियन पोइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809-1892 1809 में पैदा हुए और 1892 में वफात पाई। टेनिसन वॉज द पोइट लियोरिएट ऑफ द ईरा, अपने ज़माने के बहुत ही बड़े एंड वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डेड पोइट ऑफ ऑल द टाइम, और पूरा वक़्त बहुत ही ज़्यादा मशहूर जाने जाते शायर थे। हिज लेंथी पोइम इन मेमोरियम इन हिज मोस्ट फेमस इज हिज मोस्ट फेमस, और उनकी सबसे तावील नज़म इन मेमोरियम बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ही इज़ द सेकेंड मोस्ट क्वोटेड राइटर आफ्टर शेक्सपियर, और ये शेक्सपियर के बाद दूसरे बहुत ही क्वोटेड मुसन्निफ थे। द फर्स्ट थ्री बुक्स ऑफ पोइट्री 1833-1832-1842 इंक्लूड टेनिसन बेस्ट वर्क, और पहली तीन किताबें 1833-1832 और 1842 टेनिसन की बहुत ही बेस्ट बेहतरीन किताबें बेहतरीन काम जाना जाता है। मैरियाना, द लेडी ऑफ शैलॉट, यूलेसिस, मोटेड आर्थर, द लोटोस ऑफ ईटर्स। लेटर न्यू डिवेलपमेंट्स इन साइंटिफिक प्रोग्रेस लेड हिम टू कंटेम्पलेट ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड, और बाद में आने वाली साइंसी तरक्की ने इन्हें कामयाबी की तरफ दुनिया में तब्दीलियों की का बायस बनाया। फॉर टेनिसन डाउट वॉज द बेसिस ऑफ हिज इंस्पायरेशन, टेनिसन के मुताबिक जो शक है वो उसे जज्बा इंस्पायरेशन देती है, इंस्पायरेशन की बुनियाद है। एंड द सेकेंड और वेरी फेमस पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812-1889 1812 में पैदा हुए और 1889 में वफात पाई। ब्राउनिंग वॉज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड कमेंट्री ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने ड्रामाई
मोनोलॉग्स की वजह से और सोशल इंस्टीट्यूशन में कमेंट्री की वजह से। ही वॉज मैरिड टू विक्टोरियन पोइट एलिजबेथ बैरेट ब्रोनिंग, और उन्होंने विक्टोरियन शायरा एलिजबेथ बैरेट ब्रोनिंग से शादी की। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल, और वो इंसानी रूह के मतलब में बहुत दिलचस्पी रखते थे। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही डिस्कस्ड इन मोनोलॉग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, और बहुत ही शुरू में इन्होंने मोनोलॉग और ज़िंदगी के मसाइल और कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया। हिज पोइम पायोलाइन वाज द फ्रेगमेंट ऑफ पर्सनल कन्फेशन, और उनकी एक नज़म पायोलाइन उनके ज़ाती कन्फेशन के बारे में थी। इन पैराक्लस 1835 ही डिस्क्राइब द स्ट्रेंज कैरियर ऑफ द रेनेसेंस फिजिशियन, इन्होंने निशाते सानिया के अजीब तरीन कैरियर के बारे में बयान किया है। हिज अर्ली लॉन्ग पोइम सोरोडेलो 1840 पोइम द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड आर्ट, और इनकी एक बहुत ही तावील नज़म सोरोडेलो 1840 जिसमें फ़न और ज़िंदगी के तल्लुक के बारे में बयान किया गया है। रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और एक अहम काम। एंड द लास्ट और वेरी फेमस पोइट एलिजबेथ बैरेट ब्रोनिंग 1806-1861, ब्रोनिंग मैरिड टू पोइट रॉबर्ट ब्रोनिंग वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोथ इन इंग्लैंड एंड द यूएसए। ब्रोनिंग ने रॉबर्ट ब्रोनिंग से शादी की जो इंग्लैंड और यूएसए के बहुत ही मशहूर पोइट हैं पोइट थे। शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एडगर एलन पुई और एमएलए डिकिंसन, और इन्हें एडगर एलन पुई और एमएलए डिकिंसन से बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई ये। शी बिगन राइटिंग इन ओल्ड फैशन फॉर्म, और इन्होंने पुराने ज़माने की शक्ल में लिखना शुरू किया। हर इन्फ्लुएंस द बाइबल ग्रीक बैरन एंड शैले, और उनके इन्फ्लुएंस थे बाइबल ग्रीक बैरन और शैले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज पोइम इज द क्राई ऑफ चिल्ड्रन 1844, और इनकी सबसे अहम जो नज़म थी वो क्राई ऑफ द चिल्ड्रन थी 1844, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और एक प्रोटेस्ट था एक कारखाने में बच्चों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ थी वो। शी रोड 44 सोनेट्स एज द सोनेट्स वर डीपली पर्सनल, इन्होंने 44 सोनेट्स लिखी और वो 44 की 44 उनके ज़ाती गहराई के मुताबिक थी। रोड फॉर हर लव आर ब्रोनिंग, और उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी थी वो। गाइस ये था आज का टॉपिक विक्टोरियन पोइट और विक्टोरियन एज की वीडियो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विक्टोरियन एज की वीडियो का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।